वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है नॉर्थ इंडिया ऑन फायर। देखिए जो नॉर्थ इंडिया है, मैं कि जो उत्तर भारत है ऑन फायर है। देखिए समथिंग ऑन फायर का लिटरली मीनिंग होता है गाइस जलना। तो नॉर्थ इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, जल रहा है, फायर में है, मतलब कि आग से जल रहा है नॉर्थ इंडिया। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल्ड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब एंड दिल्ली ऑन वेंसडे, विथ मुंगेशपुर इन द नेशनल कैपिटल ऑलमोस्ट टचिंग 53 डिग्री सेल्सियस। देखिए सीवियर का मतलब होता है इस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, तीव्र जो हीट वेव है, मतलब जो गर्मी की जो लहर है या ग्रीष्म लहर है, उसका जो कंडीशन है वो क्या किया, प्रिवेल किया। प्रिवेल का मतलब लगे इस किसी जगह पे एग्जिस्ट करना, यू नो रहना। तो सीवियर जो हीट वेव है, मतलब कि एक्सट्रीम या तीव्र जो ग्रीष्म लहर है, गर्मी की लहर का जो कंडीशन था वो प्रिवेल किया, मतलब कि वो एग्जिस्ट था कहाँ पे, ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब एंड दिल्ली में, कब, ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को सीवियर हीट वेव का कंडीशन क्या था, प्रिवेल था, मतलब कि विद्यमान था या एग्जिस्ट था। विथ मुंगेशपुर, देखिए विथ का मतलब साथ, तो किसके साथ, जो मुंगेशपुर है कहाँ पे, इन द नेशनल कैपिटल, तो जो यू नो देश का जो राजधानी है वहाँ का जो मुंगेशपुर है, ऑलमोस्ट उसके ऑलमोस्ट टच करने के साथ ही, मतलब कि छूने के साथ ही 53 डिग्री सेल्सियस। तो जो मुंगेशपुर है जो कि कहाँ पे है, नेशनल कैपिटल कैपिटल में है, उसने ऑलमोस्ट क्या कर दिया, 53 डिग्री सेल्सियस को टच कर दिया, मतलब कि छू दिया। However, Delhi experienced a brief respite from the heat wave with a short spell of rainfall in the Delhi NCR region towards evening, providing some relief from the sweltering conditions. देखिए however का sense होता है हालांकि, जो Delhi है उसने experience किया क्या, a brief, brief का मतलब कि छोटा या कुछ समय का, रिस्पाइट का मतलब होता है इससे राहत, तो कुछ राहत यू नो दिल्ली ने एक्सपीरियंस किया किस चीज़ से, फ्रॉम द हीट वेव, तो हीट वेव मतलब जो गर्मी की लहर है उससे। विद का मतलब साथ ही, तो किसके साथ ही, एक शॉर्ट मतलब छोटा सा जो स्पेल है, स्पेल का मतलब होता है इस किसी चीज़ की समय अवधि, तो छोटा सा जो स्पेल है रेनफॉल का, मतलब अब वहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल हुआ होगा कुछ समय के लिए, कहाँ पे, इन दिल्ली एनसीआर रीजन, तो दिल्ली के एनसीआर रीजन वगैरह क्षेत्र में, टूवर्ड्स इवनिंग, तो इवनिंग को, प्रोवाइडिंग, तो इस कारण से क्या हुआ, इसने रेनफॉल ने प्रोवाइड किया, दिया सम रिलीफ, तो कुछ राहत दिया किस चीज़ से, फ्रॉम द स्वेल्टरिंग कंडीशन। स्वेल्टरिंग का मतलब लगे इस बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ही ज़्यादा भीषण जो गर्मी होती है उसको स्वेल्टरिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसने क्या दिया, प्रोवाइडिंग सम रिलीफ, तो कुछ राहत दिया इस स्वेल्टरिंग, इस भीषण गर्मी वाले कंडीशन से। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मुंगेशपुर इन दिल्ली रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिस सीजन सो फार एट 52.9 डिग्री सेल्सियस, 13 नॉचेस अबो द नॉर्मल। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन नजफगढ़ इन द नेशनल कैपिटल वॉज 49.1 डिग्री सेल्सियस, 9 नॉचेस अबो द नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब होता है किसी के अनुसार, तो किसके अनुसार, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में IMD कहा जाता है, उसके अनुसार से जो मुंगेशपुर है जो कि कहां पे है, इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो मुंगेशपुर है इसने रिकॉर्ड किया इट्स मतलब कि इसका हाईएस्ट एवर, मतलब कि सबसे ज्यादा उच्चतम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इन दिस सीजन, तो इस सीजन का सो फार मतलब कि अब तक का इस सीजन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, कितने में, एट 52.9 डिग्री सेल्सियस क्या किया, रिकॉर्ड किया। और ये जो 52.9 डिग्री सेल्सियस है, ये 13 नोचेस अबो है, अबो द नॉर्मल, तो जो नॉर्मल लेवल है उससे 13 नोचेस अबो है। नोच का मतलब है गाइस किसी चीज का लेवल, किसी चीज का जो बिंदु, जो स्तर होता है उससे, तो नॉर्मल से 13 नॉचेस क्या है, नॉर्मल से 13 गुना क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि उससे, उस बिंदु से, नॉर्मल बिंदु से 13 नॉचेस अबो है ये, है ना। द मैक्सिमम टेम्परेचर, अब देखिए जो मैक्सिमम कि अधिकतम जो तापमान है रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड किया गया है इन नजफगढ़, अब ये नजफगढ़ कहाँ पे है, इन द नेशनल कैपिटल में, वॉस वो था कितना था, 49.1 डिग्री सेल्सियस था, और ये जो था ये 9 नॉचेस अबो था, नॉर्मल से ये 9 नॉचेस अबो था, ऊपर था।
Meanwhile, taking note of the scorching heat in the national capital, Lieutenant Governor V.K. Saxena has asked the Delhi Development Authority to give 3 hours paid break to laborers between 12 p.m. Meanwhile, काम मतलब गाइस इसी बीच या इसी दौरान taking note तो take करते हुए लेते हुए take मतलब लेना note काम लेस किसी चीज का ध्यान किसी चीज को mind में रखना तो taking note क्या of the scorching heat तो ये जो scorching heat है scorching काम लेस जो झुलसा दे ऐसी गर्मी है ना तो ये जो scorching heat है इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब स्कॉचिंग हिट कहाँ पे इन द नेशनल कैपिटल तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम क्या है वीके सक्सेना इन्होंने क्या किया है हैज आस्क तो आस्क किया है आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता गाइस आस्क का दूसरा मीनिंग होता है किसी को कुछ बोलना कुछ करने के लिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बोला है किसको द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला है क्या करने के लिए गिव देने के लिए 3 आवर्स तो 3 घंटे का जो पेड ब्रेक है कि ब्रेक का थोड़े समय के लिए छुट्टी पेड ब्रेक है तो पेड ब्रेक देने के लिए बोला है किनको टू लेबरर्स मतलब कि मजदूरों को बिटवीन कामलेस बीच में तो किसके बीच में 12 PM टू 3 PM तो 12 PM के से लेकर 3 PM के बीच में पेड ब्रेक में कि ऐसा ब्रेक जिनमें उनको पैसा मिलेगा है ना इस चीज को देने के लिए बोला है टिल द टेम्परेचर सबसाइड तो कब तक टिल मतलब कि जब तक जो टेम्परेचर है वो सबसाइड ना हो जाए सबसाइड का मतलब है इससे नीचे आना कम होना तो किस कितने नीचे आ जाए बिलो कामलेस नीचे किसी चीज से नीचे तो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आ जाए इन द सिटी तब तक लेबरर्स को पेड ब्रेक देने का क्या किया है बोला है वार्म नाइट कंडीशंस वर ऑब्जर्व इन आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट मध्य प्रदेश देखिए वार्म नाइट वार्म का मतलब गर्म जो नाइट है मतलब ऐसा नाइट जिसमें लाइक थोड़ी गर्मी होती है तो वार्म नाइट जो कंडीशन है वर ऑब्जर्व उसको ऑब्जर्व किया गया कहां पे इन आइसोलेटेड पॉकेट आइसोलेटेड का मतलब कि जो मुख्य सिटी से अलग हो तो ऐसे पॉकेट में ऐसे क्षेत्र में जो कि आइसोलेटेड है तो कहाँ के आइसोलेटेड पॉकेट्स में हरियाणा के दिल्ली के राजस्थान के उत्तर प्रदेश के और जो ईस्ट मध्य प्रदेश है वहाँ के जो आइसोलेटेड पॉकेट में कि ऐसे पॉकेट जो शहर से थोड़ा अलग है दूर है यहाँ पे वार्म नाइट कंडीशन को क्या किया गया ऑब्जर्व किया गया मतलब कि वहाँ पे वार्म नाइट कंडीशन प्रिवेल कर रहा था On Tuesday, the highest maximum temperature of 50.5 degrees Celsius was reported at Churu, West Rajasthan, over the country. देखिए on Tuesday, तो Tuesday को जो highest maximum temperature है कितने का 50.5 degrees Celsius का जो temperature है highest maximum temperature was reported, उसको report किया गया था कहाँ पे at Churu, जो कि कहाँ पे है West Rajasthan के Churu में over the country. तो देश के West Rajasthan के Churu में जो highest maximum temperature है कितने का 50.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया सॉरी रिपोर्ट किया गया द आईएमडी हैज प्रेडिक्टेड देखिए जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है प्रेडिक्ट किया है प्रेडिक्ट का मतलब है गाइस अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना भविष्य में कुछ होने वाली घटनाओं का है ना मतलब कि भविष्यवाणी करना बेसिकली तो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है दैट की द ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा जो हीट वेव है जो गर्मी की लहर है कहां पे इन नॉर्थ वेस्ट में एंड सेंट्रल इंडिया तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में जो ऑन गोइंग हीट वेव है इज एक्सपेक्टेड तो उससे एक्सपेक्टेड है मतलब कि उससे उम्मीद की जा रही है कि ये क्या होगा रिड्यूस होगा रिड्यूस का मतलब होगा इस कम होना या घटना ग्रेजुअली का मतलब होता है इस धीरे धीरे कब से फ्रॉम थर्सडे तो थर्सडे से जो ये जो ऑन गोइंग हीट वेव है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में उससे ये उम्मीद है कि ये क्या होगा ये रिड्यूस होगा मतलब कि कम होगा ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे कब से फ्रॉम थर्सडे Prevailing heat wave to severe heat wave conditions over northwest and central India is likely to reduce gradually from 30th May 2024, the IMD said in its forecast. देखिए prevailing का मतलब कि जो अभी prevail कर रहा है जो अभी exist कर रहा है जो अभी विद्यमान है क्या prevail कर रहा है heat wave. तो जो heat wave है गर्मी की लहर है और जो severe मतलब कि जो तीव्र जो गर्मी की लहर है ऐसे जो condition है कहाँ पे over northwest तो northwest में और central India में तो ये जो कंडीशन है लाइकली इसका संभावना है लाइकली टू का यूज किया जाता है जब किसी चीज का संभावना बताना हो तो इसका संभावना है कि ये रिड्यूस होगा मतलब कि कम होगा ग्रेजुअली कम धीरे धीरे कब से फ्रॉम 30th मई तो 30 मई से मतलब कि 30 मई 2024 से द आईएमडी तो ऐसा जो आईएमडी है उसने सेड कहा
इन इट्स फोरकास्ट, तो इसके भविष्यवाणी में फोरकास्ट का मतलब है कि सूचनाओं के आधार पर जो यू नो भविष्य में आने वाली कोई घटना है उसका लाइक अनुमान लगाने को फोरकास्ट करना कहते हैं। तो ऐसा IMD ने कहा अपने फोरकास्ट में। द मेट डिपार्टमेंट सेड हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन प्रिवेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए जो मेट डिपार्टमेंट है उसने सेड कहा कि जो हीट वेव है मतलब कि जो ग्रीष्म लहर है और जो सीवियर हीट वेव है मतलब कि जो अति मतलब कि बहुत ज़्यादा तीव्र जो हीट वेव कंडीशन है वो प्रिवेल था मतलब कि वो था इन मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश, तो बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट है वहाँ पर था, ईस्ट मध्य प्रदेश में प्रिवेल कर रहा था मतलब कि वहाँ पर एग्जिस्ट था और हिमाचल प्रदेश में था एंड ऑल्सो और साथ ही इन सम पार्ट्स, तो कुछ जो हिस्से हैं कहाँ के वेस्ट मध्य प्रदेश के और जो ईस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये जो यू नो जो हीट वेव है और जो सीवियर हीट वेव का जो कंडीशन था वो क्या था, प्रिवेल था मतलब कि वो एग्जिस्ट था। हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल्ड इन आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ जम्मू, विदर्भा एंड छत्तीसगढ़। हीट वेव कंडीशंस हैव बीन प्रिवेलिंग ओवर हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, राजस्थान सिंस 17th एंड ओवर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश सिंस 18th मे 2024, द IMD said। देखिए जो हीट वेव के जो कंडीशंस है प्रिवेल वो प्रिवेल कर रहे हैं मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहे थे इन आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ जम्मू, तो जम्मू के जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं मतलब कि जो सिटी से थोड़ा दूर मतलब कि ऐसे जगह पे ऐसे एरिया में जो सिटी से थोड़ा दूर है आइसोलेटेड पॉकेट है वहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन था वो प्रिवेल था, एग्जिस्ट था। और कहाँ पे विदर्भा में और छत्तीसगढ़ में क्या था, हीट वेव के कंडीशन प्रिवेल कर रहे थे। हीट वेव कंडीशन हैव बीन प्रिवेलिंग, और देखिए ये जो हीट वेव के जो कंडीशन हैव बीन प्रिवेलिंग, ये प्रिवेलिंग कर रहा है मतलब कि ये लाइक ये है बेसिकली है ना, ये जो है गाइस ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस है। तो हीट वेव के जो कंडीशंस है वो है कहाँ पे, ओवर हरियाणा, तो हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में और राजस्थान में। कब से, अब देखिए सिंस का यूज़ किया जाता है जब बताना हो किसी निश्चित अवधि से, तो सिंस 17th से और ओवर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो हीट वेव है वो प्रिवेल कर रहा है कब से, सिंस 18th मे 2024 से, द IMD सेड, ऐसा IMD ने कहा। गाइस मेरे माइक में कुछ इशू आ गया था जिस कारण से मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप आगे का आर्टिकल जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।